देखो लंच का ऐसा है कि मैं दोपहर में 12 बजे लंच करता हूँ और उस समय कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा, और अगर चल भी रही होगी तो उसको छोड़ के वापस आ जाऊँगा। और हाँ, 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा मुझसे। इसके अलावा कार मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, पानी का बिल, नौकरों का किराया, नौकरों की फ़ीस, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज, ड्राइवर की फ़ीस, कार आप लोग मुझे दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, मर्सिडीज एस क्लास या BMW 5 सीरीज। कॉलेज खत्म होने पे था और लोगों के धड़ल्ले से कैंपस सिलेक्शन हो रहे थे। मैंने सोचा अपन भी एक ट्राई करते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पैकेजेस जैसे बह रहे थे। पढ़ा तो क्या ही था मैंने, लेकिन फिर भी सोचा कि एक ट्राई तो बनता है। तो मुंह उठा के सीधे चले गए कैंपस से। वहाँ पे डीन ने रोक लिया। डीन बोलता है कि कोडिंग वोडिंग आती है, और मैं बोल रहा हूँ बड़े चौड़ में 4 साल से क्या कर रहे हैं आप लोग, आपके टीचर से कोड बनाना नहीं सिखा पाए, और जब प्लेसमेंट का दिन आया है तो पूछ रहे कि कोडिंग वोडिंग आती है कि नहीं। डीन बोलता है कि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हैं इसके प्लेसमेंट में बैठने के। ये टर्म्स एंड कंडीशन उसको बोल रहा है पढ़ने का जिसने आज तक क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा है। डीन बोलते हैं इस इंटरव्यू में बैठने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% है, तुम इसमें बैठ ही नहीं सकते। और मैं बोल रहा हूँ है इतने में तो मेरे जैसे दो पास हो जाएंगे। जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला। टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला पूरा वीडियो ट्यूटोरियल देख ही गए थे। लेकिन आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो, वो वाला क्वेश्चन पूछनी हो। इंटरव्यू पूछती है एज यू मेंशन PHP में आपका स्पेशलाइजेशन है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे बताऊँ। रेज्यूमे में नाम और शक्ल सिर्फ मेरी है, बाकी पूरी डिटेल्स तो दोस्त के। और मैं बड़े एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, क्योंकि KV से पढ़े हैं अपन, केंद्रीय विद्यालय, कि इंटरव्यू में आप कुछ भी पूछ लो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बार काम करते हुए देखो मेरे को, मेरे से अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता। वो चुप हो गई। मैम आपने पूछा नहीं कि आप सैलरी कितनी लोगे, वो इससे पहले बोले, इससे पहले मैंने ही बोल दिया। देखो खाने पीने की तो वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन अब आपसे क्या छुपाना। वैसे तो मेरी एक्सपेक्टेशन 1.5 CR की थी, लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, आपके पास एसेट्स कम तो लाइबिलिटीज आप पे बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग 1.49 पे नक्की करते हैं। 1.49 इज ओके फॉर मी आई थिंक। हाँ चले क्लोज कर देते क्लोज। और हाँ, अब 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा मुझसे। इसके अलावा कार मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, पानी का बिल, नौकरों का किराया, नौकरों की फ़ीस, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज, ड्राइवर की फ़ीस, कार आप लोग मुझे दे रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, मर्सिडीज एस क्लास या BMW 5 सीरीज, ये चल जाएगा मुझे, तो ड्राइवर की फ़ीस आप लोग देख लेना। और इन सब के अलावा मैं सोच रहा था कि 3 या 4 साल में 4 बार मुझे वैकेशन चाहिए, पेरिस, सिंगापुर, मकाओ, लंदन, तो ये आई थिंक इट्स इनफ, साल में 4 बार। और हाँ, सुबह मेरे ऑफिस आने के पहले हॉट चॉकलेट कॉफ़ी के साथ कैश्यू आलमंड कुकीज़ विथ एक्स्ट्रा नट्स मेरे टेबल पे एकदम सजे होना चाहिए बॉक्सेस। और हाँ देखो, वो खाने में बड़ा ही ओवर कॉन्शियस हूँ, ब्रेकफास्ट में सुबह 10 बजे करता हूँ, और आई वुड बी ग्रेटफुल इफ आई गेट एग्जॉटिक स्काउट्स विथ थेटा चीज, साथ में वो हरी वाली गोभी जिसे वो ब्रोकली। और हाँ ये चीज़ तो होना चाहिए, कुछ डेजर्ट में देख लेना, और साथ में अगर आपकी तरफ से कुछ एड ऑन्स हो जाएंगे तो सोने पे सुहागा। देखो लंच का ऐसा है कि मैं दोपहर में 12 बजे लंच करता हूँ और उस समय कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा, और अगर चल भी रही होगी तो उसको छोड़ के वापस आ जाऊँगा। लंच के बाद 30 मिनट का प्री बेड रेस्ट, उस रूम में कोई डिस्टर्ब करने को नहीं होना, और फिर 2 घंटे का प्रॉपर बेड रेस्ट, और फिर 1 घंटे का पोस्ट बेड रेस्ट काउच पर, बेड काउच एंड पिलो तीनों एक्स्ट्रा कुशन से लेस होना चाहिए। तो क्या है ना कि मुझे थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। देखो डिनर की तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 3-4 आदमियों का खाना आप उधर से टेक अवे करवा देना। देखो ऐसा है कि रोज़ रोज़ तो डिनर रेस्टोरेंट का नहीं कर सकते, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर बीमार पड़ गए तो 3-4 करोड़ का आपका ही खर्चा पड़ेगा, इलाज के लिए आप लोग UK US तो भेजोगे ना आपके एम्प्लॉयज़ को, तो मतलब थोड़ा मैंने पहले ही बोला है आपको कि मैं खाने को लेके थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हूँ। तो उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास कि यहाँ पे है ना, और थोड़े उसके आगे
तो पास ही में ना एक 9-star होटल खुला है, तो उनका सुना है कि वहाँ का है ना बॉयल, जो वहाँ का बॉयल खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब बॉयल जैसा बॉयल लगता ही नहीं है उनका। तो हफ्ते में 3-4 दिन आप लोग वहाँ से करवा देना 9-star होटल का। अब देखो ना 3-4 करोड़ देने से अच्छा है कि इसी करवा दो। पर हाँ, छुट्टी होने के ठीक 1 hour पहले मेरा ड्राइवर मेरी कार के साथ नीचे खड़ा होना चाहिए, और रूम के बारे में तो बताया नहीं, तो रूम मेरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक बड़ा सा विंडो होना चाहिए ताकि मैं अच्छे से बाहर की दुनिया एक्सेस कर पाऊँ। वो क्या है ना, ड्राइवर और कार को दोनों को क्लियर व्यू से देख सकूँ। बस इतना सब कुछ कहने के बाद इंटरव्यू खुद खड़ी हुई, उसने मेरे से हाथ मिलाया और बोलती है कि आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू, यू शुड ट्राई एप्पल, अमेजोन, समथिंग लाइक दैट। वी आर जस्ट अ स्मॉल फर्म, वी कांट अफोर्ड दैट मच ऑफ टैलेंट यू हैव, सो दिस 1.5 इज समथिंग बिगर अमाउंट फॉर मी। सो इतना बोल के उसने उसकी चप्पल निकाली और सीधे यहाँ पे मारी, यहाँ पे एक यहाँ पे मारी वो चप्पल से, एक यहाँ पे ऐसा पूरा डिज़ाइन, हाँ, और साथ में टर्मिनेशन लेटर पूरे बच्चों का मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं सोच भी रहा हूँ कि एक तरीके से सही भी हुआ, क्योंकि अब मेरा नहीं हो रहा है तो उनका कैसे हो सकता है, मतलब उन्हीं का हो रहा है। ऐसा है कि मतलब दोस्त का अगर सिलेक्शन हो गया और दोस्त का आप एग्जांपल दोगे और अपना नहीं होगा तो मतलब थोड़ा बुरा लगता है। तो सबको अपने टर्मिनेशन लेटर लेके बाहर आ गए डीन के सामने, और डीन को दिया ऐसा हुआ। अगले दिन फिर अपने वही काम से लग गए,